Very good afternoon, everyone. Next, we have numerical statement, that is, find the change in current in an inductor of 100 Henry in which the EMF induced is 3000 volt in 0.1 second. Also determine the change in flux. So, given ki hai sanu, apanu इंडक्टेंस दी है जिन्हों असी एल ना डिनोट करते हैं किमें पता चलिया क्योंकि एच हैनरी यूनिट्स होंगे इंडक्टेंस की ठीक है सानू 100 हैनरीज गिवन है उस दे बाद इंड्यूस्ड ईएमएफ जिन्हों पर एपसाइलन नाल डिनोट करते हैं 3000 वोल्ट सानू गिवन है आफ्टर दैट आपू 0.1 सैकेंड यानी कि सैकेंड का यूनिट होंगे टाइम की यानी कि सू टाइम दिता 0.1 सैकेंड आप फाइंड आउट की करनी है एक तो असी चेंज कढ़ना फ्लक्स दे विच ठीक है और एक असी करंट फाइंड आउट करना करंट फ्लो करूँगा तो इंडक्टेंस प्रोड्यूस होगी ना ठीक है तो ही फ्लक्स फाइंड आउट कर सकते हैं सब तो पहले आप लिख लिया गिवन चीज़ा जो सानू दित्तियां ने उहदे लई आपां नूं पता है कि इंडक्टेंस कादे बराबर हुंदी है एल इंटू डी आई यानी कि ई एम एफ कादे बराबर है इंडक्टेंस इंटू करंट डिवाइडेड बाय टाइम वो कि ही एल आई डिवाइडेड बाय डी टी ठीक है हुण सब तो पहले ये तो आप वैल्यू कादी कढ़ लाँगे इस फॉर्मूले तो करंट की डी आई की डी आई की जो मैं वैल्यू कढ़ा कादे बराबर होगी एपसाइलन इंटू डी टी डिवाइडेड बाय एल राइट ये आप वैल्यू सबस्टिट्यूट करते हैं डी टी आपां नूं पता है एपसाइलन सानूं दिता सब तो पहले आ भी दोवें क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना ठीक है ये की बन गया 3000 यदि वैल्यू डी टी की वैल्यू 0.1 सैकेंड यदि वैल्यू 100 मैं सारिया वैल्यूज़ लिख लिया इतने ठीक है जी आफ्टर दैट इधर मेरे को है 0.1 पॉइंट हटाने के लिए इतने 10 आजगा मेरे को ठीक है जो आप फरदर सॉल्व करिए मान लो जो मैं आप पॉइंट हटाना है तो पॉइंट न रिमूव करने के लिए 10 आएगा ठीक है फिर आप करना नंबर ऑफ जीरोज़ के नंबर ऑफ जीरोज़ कैंसल आउट हो अपने को बचा 3 ठीक है पॉइंट रिमूव हो गया इंटू 1 दोवों डिवाइड करा कि आजगा 3 क्योंकि 3 नू 1 ना मल्टीप्लाई करोगे 3 रह जाना जो आ चीज़ अपने को डेसीमल रिमूव हो गया उन्होंने 1 ना डिवाइड करोगे तो भी 3 रह जाना यह की आ गया एम्पीयर एम्पीयर का यूनिट होंगे करंट की वो बाद असी फाइंड आउट की करना ही फ्लक्स का चेंज तो फ्लक्स में आप फाई बी या डी फाई बी डिनोट करते हैं ठीक है सो एपसाइलन का बराबर होंगे चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय टाइम यानी कि जे मैं तो फ्लक्स की वैल्यू कढ़नी ही तो क्यों ही इन्हें दोवें क्रॉस मल्टीप्लाई होना ही एहो चीज़ ही ना फॉर्मूला मैं लिखता हूँ एपसाइलन की वैल्यू सानू ऑलरेडी गिवन अ स्टेटमेंट दैट इज 3000 आई एम सबस्टिट्यूटिंग हेयर बोथ द वैल्यूज दैट इज एपसाइलन एंड टाइम इट विल बी अगेन आप करना इनू डिवाइड कर देना 10 के नाल डेसीमल रिमूव करने के लिए उस 10 ने जो डिवाइड होना है वह 0 नाल 0 कैंसल हो जानी अपनों की क्यों बचे 3000 3000 में जो 1 ना मल्टीप्लाई करोगे वो सेम ही रह जाएगा ये हो गया अपने को न्यूमेरिकल का आंसर ठीक है जी नैक्सट अपन एक स्टेटमेंट दी है फाइंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ ए पेयर ऑफ कॉयल इफ अ चेंज ऑफ करंट इज 12 एम्पीयर इन 1 कॉयल कॉज इज अ फ्लक्स इन चेंज सैकेंड कॉयल 400 टर्नस टू चेंज बाय 12 इंटू 10 रेज टू पावर -4 वेबर्स पर टर्न सानू गिवन की चीज़ सब तो पहला असी कढ़ना की है म्यूचुअल इंडक्टेंस का दी पेयर ऑफ कॉयल्स दी करंट सानू दिता 12 एम्पीयर एक कॉयल का ठीक है और दूसरी कॉयल दी सानू टर्नस दित्तियां ने कि 4000 टर्नस ने कॉयल दी ठीक है सो एक चीज़ सानू गिवन है वेबर्स ठीक है आपां पता हुण वेबर का यूनिट होंगे है ये चीज़ असी पढ़ ली ठीक है वेबर का यूनिट है फ्लक्स दे ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਫਲਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਠੀਕ ਆ ਕੱਢਣੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਗਿਵਨ ਦੈਟ ਕਰੰਟ ਦਿੱਤਾ 12 ਐਮਪੀਅਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਕੈਪੀਟਲ ਐਨ ਦਿੱਤੀਆਂ 4000 ਆਪਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਰਟ ਆਊਟ ਕਰਾਂ ਇੱਕ ਟਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਫਲਕਸ ਪਰ ਟਰਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ 12 ਇੰਟੂ 10 ਇਜ਼ ਟੂ ਪਰ -4 ਹੀ ਬਣ ਗਏ ਨਾ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਉੱਤੇ 1 2 ਆਹ ਐਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਰਾਈਟ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ नंबर ऑफ टर्नस मैं कढ़नी है फ्लक्स दियाँ वो बन गई वो मैंने ऑलरेडी गिवन ने दैट इज़ 12 × 10⁻⁴ -4 वेबर्स जो मैं टोटल फ्लक्स कढ़ना है जो फ्लक्स कढ़ना होंगे उदो आप कहने कि आई ने मल्टीप्लाई हो जाना इस चीज़ के नाल वो की बनूगा
5b is equal to 4000 i into this function sari value. ठीक है जी, हुण ए सारी value का दी equal आई है 4.8 webers दे इनु solve करन दे. Solve करन तो पहले इनु देखो आपा solve के दा करना है, मतलब ए calculation sort out के दा होन गया. 10 raised to power 4 दा मतलब समझ दे ना, एदे कोड 4 zeros ने, अगर आपा उन्हां नू cut off कर दे हैं 3 zeros दे नाल तो cancel हो गया, बची इधर 1. ठीक है, हुण आपा की किता कि जो टर्म बच गई उहदे नाल डिवाइड करोगे अपने कोल की आ जाऊगा 4.8 आंसर. ਕਿੱਦਾਂ 4.8 ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣ ਲਓ. ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 12 ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਇਧਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4000 ਆ, ਇਧਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ 'ਚ ਟਰਮ ਆ 10 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 4. ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ 'ਤੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 4.8. ਅਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਸੀਗਾ ਫਲਕਸ, ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਫਲਕਸ ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਇੰਟੂ ਕਰੰਟ. ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਈ, ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈ, ਫਲਕਸ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਏ ਕਰੰਟ. ਫਲਕਸ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਲਿਆ 4.8, ਕਰੰਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿੰਨਾ 12 ਐਂਪੀਅਰ. ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੀ ਹਾਂ. ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੈਸੀਮਲ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਇੱਥੇ 48 ਹੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ 12 ਆ, ਅਤੇ 12 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ 4 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 48. ਜੇ ਮੈਂ ਡੈਸੀਮਲ ਹਟਾਵਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਣੀ, 0. ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੱਟ ਆਫ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਣ ਜਾਣਾ 0.4 ਹੈਨਰੀ. ਅਗੇਨ ਹੈਨਰੀ ਕਹਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਆ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਦੀ. ਇਹ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਕਰੰਟਸ, ਰਾਈਟ. ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚੈਪਟਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ. ਥੈਂਕ ਯੂ.